आप सभी ने शहीद, कुर्बान, मार्टर ये शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इनके असली मतलब को जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शहीद, कुर्बान, मार्टर शब्दों को जानेंगे और साथ ही हम कुछ मिलिट्री कैजुअलिटी कोड्स को भी देखेंगे। बट बिफोर बिगनिंग द वीडियो, वी वॉन्ट टू एश्योर कि हम सभी रिलीजियंस और सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट द व्यूज, बिलीव्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ ईच रिलीजन, कंट्री एंड पर्सन। और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है अबाउट मिलिट्री कोड्स एंड अदर रिलीजन बेस्ड टर्म्स विद अ मैसेज ऑफ नॉट मिक्सिंग और इंटरचेंजिंग देम। दोस्तों, मार्टर वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। इसका मतलब है जब कोई भी इंसान विलिंगलेसली डेथ या पेन चूज करे। किसी जनरल या धार्मिक बिलीफ से इस टर्म का इस्तेमाल क्रिश्चियन और इस्लामिक धर्म में किया जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि ये कई सालों पहले उन क्रिश्चियंस के लिए यूज किया जाता था जो किसी दूसरे धर्म को अपना लेते थे, और उससे भी पहले ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के रेजरेक्शन को देखा था, यानी जो भी उनके डेथ के विटनेस थे। कई बार कुछ माइनॉरिटीज को भी मार्टर कर दिया जाता था ताकि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। एट अदर टाइम्स ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप या व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए भी यूज किया जाता था। वहीं शहीद, जो एक अरेबिक टर्म है, वो भी कुछ ऐसे ही रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है। ये ज्यादातर इस्लामिक धर्म में उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने अपने रिलीजन की वजह से जान दी हो। शहीद शब्द से दूसरा मिलता जुलता शब्द है कुर्बानी। मगर इन दोनों ही शब्दों को, यानी मार्टर और शहीद को, हम हमारे सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोल्जर्स युद्ध मार्टर होने के लिए नहीं लड़ते और न ही वो इस वजह से हमारी सुरक्षा करते हैं। इंस्टेड, एवरी सोल्जर वॉन्ट्स टू डिफेंड द कंट्री, डिफीट द एनिमी, विन इट एंड कम बैक अलाइव। भले ही उन जवानों को पता होता है कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, मगर उनका मोटिव होता है देश की सुरक्षा करना और जंग जीत कर वापिस आना। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने सोल्जर्स के लिए मार्टर या शहीद शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि इन शब्दों के जगह हमें हमारे वीर जवानों के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, या फिर सुप्रीम सेक्रीफाइस, या फिर ऑपरेशन कैजुअल्टी टर्म्स का यूज करना चाहिए। और वैसे भी सभी कंट्रीज अपने जवानों को सम्मानित करने के लिए अपने अलग अलग तरह के टर्म्स को यूज करती है। इंडिया में जो टर्म यूज किया जाता है वो है वीर गति को प्राप्त हुए। ये ना ही रिलीजियस बिलीफ दर्शाता है और ना ही पर्सनल एजेंडा। दोस्तों, ये तो बात थी रिलीजन बेस्ड टर्म्स की, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ कैजुअल्टी कोड्स को यूज किया जाता है। तो चलिए इन कैजुअल्टी कोड्स को देखते हैं। KIA, Killed in Action। इस टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक सोल्जर अपनी ड्यूटी या ऑपरेशन के टाइम पर मारा जाए। That person is said to be killed in action। MIA, Missing in Action। इस टर्म का यूज तब किया जाता है जब किसी सोल्जर की डेथ हुई है या नहीं ये पता नहीं होता है और वो मिसिंग होता है। That person is said to be missing in action। WIA, Wounded in Action। ये टर्म तब यूज किया जाता है जब सोल्जर को ऑपरेशन के वक्त इंजरी हो गई हो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में भी होता है। वो पर्टिकुलर सोल्जर परमानेंटली इनकैपेबल रह सकता है, इसलिए इट्स सेड टू बी वांटेड इन एक्शन। LIA, लाइटली इंजर्ड इन एक्शन। जब किसी सोल्जर को जंग के दौरान स्लाइट इंजरीज हो गई हो तब उसे लाइटली इंजर्ड इन एक्शन कहा जाता है। DOW, डाइड ऑफ वूंड्स। जब एक सोल्जर की मौत ऑपरेशन में मिले घाव के कारण से हो गई हो तो उसे डाइड ऑफ वूंड्स बोला जाता है। DOI, डाइड ऑफ इंजरीज। इस टर्म का यूज तब किया जाता है जब किसी सोल्जर की डेथ इंजरी से हो गई हो। POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। जब एक सोल्जर को युद्ध में एनिमी द्वारा बंदी बना लिया जाता है तब उसे प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। FOD, फाइंडिंग ऑफ डेथ, ऑल्सो नोन एज PKIA,
प्रिज्यूम्ड किल्ड इन एक्शन। ये तब डिक्लेयर किया जाता है जब एक सोल्जर जंग के दौरान मिसिंग हो गया हो और फिर वो कभी वापस लौट कर न आया हो। डेट पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी डेड, DNB, डाइड नॉन बैटल। इस टर्म का यूज तब किया जाता है जब किसी सोल्जर की डेथ हो गई हो ड्यू टू सिकनेस, सुसाइड और सिमिलर रीजंस। तो ये थे वो सारे कैजुअल्टी कोड्स जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।